Good morning students, today we are going to see 3.5 subtraction framing word problems. In last video we have seen the subtraction story problems, right? In that already they have given us the framed sentences, but in this we have to frame our own word problems. Now see, study this example to learn how to frame subtraction word problems. उन्होंने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल हमें सॉल्व करके दिया है और उसमें दिखा है उन्होंने कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम सब्ट्रैक्शन फ्रेम कर सकते हैं. एग्जाम्पल, फ्रेम अ सिंपल वर्ड प्रॉब्लम. सिंपल से सिंपल वर्ड प्रॉब्लम आपको फ्रेम करने हैं. प्रॉब्लम सी, हाउ दे हैव रिटन, अमन बॉट शर्ट्स एंड ट्राउजर्स. अमन ने क्या लाए हैं? शर्ट्स और ट्राउजर्स लाए हैं. द कॉस्ट ऑफ टू शर्ट्स, द कॉस्ट ऑफ टू शर्ट इज रुपीज 3000. टू शर्ट्स की प्राइस कितनी है? 3000. एंड द कॉस्ट ऑफ टू ट्राउजर इज रुपीज 4000. एंड द कॉस्ट ऑफ टू ट्राउजर्स इज 4000. उन्होंने क्या बताया? टू शर्ट्स की प्राइस और टू ट्राउजर्स की प्राइस. हाउ मच मोर डिड ही पे फॉर द ट्राउजर्स. अभी हमें क्या सॉल्व करना है कि उसने, मीन्स अमन ने, कितने ज़्यादा पैसे दिए फॉर ट्राउजर्स. हाउ मच मोर डिड ही पे फॉर द ट्राउजर्स. उसने ट्राउजर्स के लिए कितने रुपीज़ ज़्यादा दिए हैं. तो उसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया है, डिफरेंस इन कॉस्ट. ये आपको लिखना है क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 4000 और 3000 में डिफरेंस कितना है. डिफरेंस इन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ टू शर्ट्स एंड कॉस्ट ऑफ टू ट्राउजर्स कितने हैं? कॉस्ट ऑफ टू शर्ट्स इज 3000 एंड कॉस्ट ऑफ टू ट्राउजर्स इज 4000. सो सी, बाय मिस्टेकली दे हैव प्रिंटेड हियर दैट इज 4000 माइनस 3000, बट द कॉस्ट ऑफ टू शर्ट्स इज रुपीज 3000. सो इंस्टेड ऑफ टू शर्ट्स हियर देयर शुड बी ट्राउजर्स. ट्राउजर्स एंड हियर इट शुड बी शर्ट्स. नाउ सी, कॉस्ट ऑफ टू ट्राउजर्स माइनस कॉस्ट ऑफ टू शर्ट्स. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टू ट्राउजर्स? इट इज 4000 एंड शर्ट्स 3000. सो 4000 माइनस 3000, आंसर विल बी 1000. ही पेड रुपीज 1000 मोर फॉर द ट्राउजर्स. सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस वर्ड प्रॉब्लम्स. नाउ रिमेंबर द वर्ड्स हाउ मच मोर, हाउ मच लेस एंड डिफरेंस इंडिकेट सब्ट्रैक्शन. मीन्स ये जो वर्ड्स है, हाउ मच मोर मीन्स कितना ज़्यादा, या फिर कितना कम, मच लेस मीन्स कितना कम, एंड डिफरेंस ये हमें क्या इंडिकेट करते हैं? सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस. ओके, नाउ सी, फ्रेम अ सिंपल सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम फॉर द फॉलोइंग. उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे नंबर्स दिए हैं और हमें उसे देख के सॉल्व करने हैं. नाउ फर्स्ट नंबर गिवन इज 2000 माइनस 1500. नाउ ऑलरेडी आई हैव फ्रेम्ड द क्वेश्चंस. सो फर्स्ट 2000, प्रीति बॉट स्कूल बैग्स एंड बुक्स. प्रीति ने क्या लाए हैं? स्कूल के बैग्स और बुक्स लाए हैं. द कॉस्ट ऑफ टू बैग्स, उसने जो टू बैग्स लाए हैं, जो स्कूल बैग्स लाए, वो कितने के हैं? रुपीज 2000. कितने रुपीज के? 2000 के. और नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ बुक्स मीन्स उसने क्या लाए? स्कूल बैग्स एंड बुक्स लाए. तो जो स्कूल बैग्स लाए वो 2000 रुपीज के लाए, और ये जो बुक्स लाए हैं वो 1500 के लाए हैं. नाउ फाइंड द डिफरेंस. आपको उन दोनों में का डिफरेंस देखना है. सो यू हैव टू राइट हियर डिफरेंस इन कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ टू बैग्स माइनस कॉस्ट ऑफ बुक्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ टू बैग्स कितनी है? 2000 माइनस और कॉस्ट ऑफ बुक्स 1500, राइट? सो व्हाट विल बी द आंसर? यू कैन सॉल्व इट हियर. 2000 माइनस 1500, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो माइनस फाइव, जीरो में से फाइव जाता है क्या? नो. सो यू हैव टू कैंसल दिस. यू हैव टू राइट हियर 10, क्योंकि हमने वन कहाँ से बोरो किया? टू से वन को बोरो किया.
जब हम 2 से 1 को बोरो करते हैं तो 2 कैंसिल होके यहाँ पे 1 रह जाता है. तो 10 माइनस 5 आंसर विल बी 5 एंड 1 माइनस 1 0. सो आंसर इज 500. सो हियर यू हैव टू राइट 500 और एल्स यू कैन राइट हियर ऑल्सो इज इक्वल्स टू 500. ओके नाउ लास्ट लाइन यू हैव टू राइट आंसर. नाउ यू कैन राइट difference between cost is equals to rupees 500. Okay, now see next. 1400 minus 700. Now I have already formed here also. Rita had rupees 1400. रीटा के पास कितने पैसे है 1400 इन हर बैंक अकाउंट. उनके बैंक अकाउंट में 1400 ऑलरेडी है. शी विथड्रीव रुपीज 700. उन्होंने बैंक में से कितने पैसे निकाले हैं 700. नाउ व्हाट वाज द बैलेंस लेफ्ट इन हर अकाउंट. अभी आपको उनके बैंक में कितना बैलेंस है ये जानना है. तो हम कैसे करेंगे सी सी यू कैन राइट रीटा हैड इन हर बैंक अकाउंट माइनस She withdrew from bank. So, how much money did she had? She had rupees 1400 minus how many she withdrew? 700. So, when you will do 1400 minus 700, you will get answer 700. So you will write Rita had left with the balance amount of रुपीज 700. ओके नाउ सी नेक्स्ट 3040 माइनस 2030. नाउ सी नेक्स्ट 3040 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन एनुअल गैदरिंग. हाउ मेनी स्टूडेंट्स 3040 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन एन एनुअल गैदरिंग. ऑफ देम 2030 वर गर्ल्स. उनमें से कितने गर्ल्स थे 2030 वर द गर्ल्स. नाउ फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटेड. अभी हमें फाइंड करने हैं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटेड थे. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी वी आर गोइंग टू अगेन सी हियर द डिफरेंस. सो यू कैन राइट हियर डिफरेंस is equals to number of students participated मतलब कितने बच्चों ने हिस्सा लिया था minus number of girls participated. इज इक्वल्स टू कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था 3400 माइनस और कितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था 2030.
What will be the answer? You have to minus it. See, here you can minus 3040 minus 2030. 0 minus 0, 0, 4 minus 3, 1, 0 minus 0, 0, sorry, 0, and here 3 minus 2, 1. So, 1010. So, you will write that 1010, you have to write your answer. 1010 number of boys participated. हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटेड. तो हमें आंसर मिल गया कि इतने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया था. हमने यहाँ पे क्या किया, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को माइनस कर दिया, तो हमें आंसर मिल गया 1110. सो फर्स्ट हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड लिए और फिर नंबर ऑफ गर्ल्स जो दिए है वो लिखा और उसमें से हमने माइनस किया तो हमें ये आंसर मिला. तो इतने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया है, पार्टिसिपेटेड ओके इन एनुअल गैदरिंग. सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द सम्स. नेक्स्ट यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. आई विल सेंड यू द फोटो ऑफ इट. You just have to copy it down. Thank you.